फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञानी जीवन। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से हम कवरअप करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक। कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन का एक शानदार श्रृंखला होगा। बाकी के चैप्टर वाइज हमने पूरा कंप्लीट कर चुके हैं जो TGT PGT GIC का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग एक एक चैप्टर को। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा, जहां से टाइप कर आप चैप्टर वाइज तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है, द सेलुलर मैकेनिज्म विच मेक्स डायरेक्ट यूज ऑफ ऑक्सीजन इन द एनर्जी प्रोडक्शन इज। क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिकीय क्रिया जिसमें ऊर्जा उत्पादन में ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष उपयोग होता है, तो वो क्या है। ऑप्शन नंबर 1 ग्लाइकोलिसिस, बी फर्मेंटेशन, सी क्रेब्स साइकिल, डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो कौन सा मैकेनिज्म है जो कोशिकीय क्रिया में ऊर्जा उत्पादन में ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष उपयोग करता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्रेब्स साइकिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस एवं किडवन यानी फर्मेंटेशन दोनों ही कैसे हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, अवायवीय श्वसन होते हैं। कैसे, अवायवीय श्वसन होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की प्रत्यक्ष उपयोगिता नहीं होती है। क्रेब्स चक्र वायवीय यानी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जो माइटोकांड्रिया में होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन है, ऑन रिमूविंग द थायराइड ग्लैंड फ्रॉम द टेडपोल इट विल। टेडपोल से थायराइड ग्रंथि को निकाल देने पर यह, ऑप्शन नंबर 1 डाई इमीडिएटली, बी रिमेन अ टेडपोल थ्रू आउट लाइफ, सी ग्रो इनटू अ ड्वार्फ फ्रॉग, एंड डी नन ऑफ द एबव। कह रहा है कि जब टेडपोल से थायराइड ग्रंथि को निकाल देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ जाएगा, तुरंत मर जाएगी, जीवन पर्यंत एक टेडपोल रहेगी, एक बौने मेंढक में बढ़ेगी, कि इनमें से कुछ नहीं होगा। राइट आंसर इसका देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी क्या है, रिमेन टेडपोल थ्रू आउट लाइफ, पूरे जीवन पर्यंत एक टेडपोल ही रहेगी। रीजन क्या है कि थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन मेंढक के कायांतरण को नियंत्रित करते हैं। थायराइड ग्रंथि को मेंढक के गले से निकाल लेने पर कायांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा और टेडपोल जीवन पर्यंत एक टेडपोल ही बना रहेगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट बिकॉज। कह रहा है कि बाइल यानी पित्त वसा के पाचन में सहायक होता है क्योंकि, ऑप्शन नंबर 1 है इन एक्टिवेट्स रिलेटेड एंजाइम्स, बी इट ब्रेक्स डाउन फैट इंटू सिंपल फॉर्म्स, सी इट इमल्सीफाइज फैट, एंड डी इट मेक्स द मीडियम एल्कलाइन। तो पित्त जो है वसा के पाचन में सहायक क्या होता है, ऑप्शन ए है यह संबंधित एंजाइम को सक्रिय करता है, वसा को सरल अणुओं में तोड़ता है, वसा का पारसीकरण करता है, या यह माध्यम को क्षारीय करता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह वसा का पारसीकरण करता है, इट इमल्सीफाइज फैट। पित्त वसा के पाचन में सहायक होता है क्योंकि यह वसा का पारसीकरण करता है। ये जटिल बड़े वसी अणुओं को सरल छोटे रूप में तोड़ते हैं जिससे पाचन सुगम एवं प्रभावी हो जाता है। पित्त यकृत द्वारा स्रावित होते हैं और पित्ताशय में संग्रहित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है हाउ मच ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। क्वेश्चन कर रहा है कि रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का वहन करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, 20 ml, 1.34 ml, 4 ml, 2.34 ml। राइट आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.34 ml इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 ml रक्त 15 ग्राम हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, 100 ml रक्त 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है और 15 ml रक्त 20 ml ऑक्सीजन का प्रवहन करता है। तो 1 ग्राम को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 20/15 कर देंगे। 1 ग्राम निकालने के लिए 20/15 कर देंगे तो आ जाएगा 1.34 ml। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा।
क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सी इज इसेंशियल फॉर हीलिंग ऑफ अ वाउंड। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन घाव भरने के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ए कोबालामिन, बी एस्कॉर्बिक एसिड, सी टोकोफेरॉल, डी निकोटिनामाइड। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बिक एसिड। तो घाव भरने के लिए कौन सा आवश्यक है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं घाव भरने में बहुत ही आवश्यक होता है। और बात की जाए तो विटामिन बी 12 को कोबालामिन कहा जाता है। यह आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिका के निर्माण में सहायक होता है। टोकोफेरॉल जिसको विटामिन ई कहा जाता है, जिसे एंटी स्टेराइल विटामिन भी कहते हैं। विटामिन बी 3 को निकोटिनामाइड कहा जाता है, इसकी कमी से एलेग्रा रोग हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द डेंटल फार्मूला ऑफ अ काउ इज। गाय का दंत सूत्र होता है। चार ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0033/3133 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो आ जाएगा 32, जो कि गाय का दंत सूत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन अकर्स इन, प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए है बाय ब्लड प्लेटलेट्स, बी बाय ब्लड प्लाज्मा, सी बाय लीवर, डी बाय बोन मैरो। राइट आंसर क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन अकर्स इन, प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी है बाय लीवर यकृत के द्वारा। प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण यकृत में होता है। स्तनधारियों के रक्त में रुधिर प्लेटलेट्स पाया जाता है। यह रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। रक्त प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का संश्लेषण अस्थि मज्जा में होता है। तो हर किसी के विषय में बताया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल इन द सेल इज। कोशिका में क्रेब्स चक्र का स्थल है। ऑप्शन नंबर ए साइटोप्लाज्म, बी क्लोरोप्लास्ट, सी माइटोकांड्रिया, डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वह साइट कौन सा जहां क्रेब्स साइकिल सेल का, वह कौन सा साइट है जिसमें क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होता है। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माइटोकांड्रिया। इस क्रिया की खोज क्रेब्स ने किस सन में की थी, 1937 में। इस क्रिया में विभिन्न अभिक्रिया की श्रृंखला के फलस्वरूप एसिटिल को एंजाइम ए का पूर्ण ऑक्सीकरण एक चक्र में होता है। यह पूर्ण क्रिया माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। क्रेब्स चक्र के सभी एंजाइम माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में उपस्थित होते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओंटोजेनी लीवर इज। कह रहा है ओंटोजेनी के आधार पर यकृत है। ए एक्टोडर्मल, बी इंडोडर्मल, सी मेसोडर्मल, डी बोथ ए एंड बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओंटोजेनी लीवर इज। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी इंडोडर्मल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है फ्रेश वाटर फिशेस फेस द डेंजर ऑफ, मीठे जल की मछलियां सामना करती हैं। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रेशन, बी डिहाइड्रेशन, सी इंक्रीज्ड वाटर प्रेशर एंड डी डिक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल। तो मीठे जल में रहने वाली मछलियां किसका सामना करती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डिक्रीज ग्लूकोज लेवल, शर्करा के स्तर की कमी। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है एम्फाइट्स ऑफ स्कैरिस, स्कैरिस के एम्फिट्स हैं। ऑप्शन नंबर ए बैरोरिसेप्टर, बी कीमोरिसेप्टर, सी टैक्टोरिसेप्टर एंड डी ऑल्फैक्टोरिसेप्टर। तो स्कैरिस के एम्फिट्स क्या हैं, राइट आंसर इसके हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कीमोरिसेप्टर। स्कैरिस का एम्फिट्स जो हैं कीमोरिसेप्टर होते हैं। और कुछ जो इसमें दिए गए हैं, जो ये सुगंध से संबंधित हो जाएगी ऑल्फैक्टोरिसेप्टर्स,
और जो है टैक्टो रिसेप्टर जो दिया है ऑप्शन नंबर सी, इसका मतलब क्या है, टच से संबंधित हो जाएगा। और बायरो रिसेप्टर जो है प्रेशर से यानी दाब से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन है, इन हनी बीज स्पेसिफाइड डांस इन मीन टॉप फॉर, मधुमक्खियों में विशेष प्रकार के नाच का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए रिप्रोडक्शन, बी इन्फॉर्मिंग द सोर्स ऑफ फूड, सी किलिंग फॉरेन, डी इंटरटेनमेंट। कह रहा है कि इन हनी बी स्पेसिफाइड डांस इज मीन फॉर, मधुमक्खियों में विशेष प्रकार के नाच का उद्देश्य क्या होता है। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इन्फॉर्मिंग द सोर्स ऑफ फूड, भोजन के स्रोत की सूचना देना। मधुमक्खियों में विशेष प्रकार के नाच का उद्देश्य भोजन के स्रोत की सूचना देना है। अर्नेस्ट स्पाइट जिनर ने 1788 में पहले पहले बताया कि स्काउट मक्खियां कुछ विशिष्ट प्रकार की मूवमेंट द्वारा सूचना प्रसारण करती हैं। इन गतियों को अब मधुमक्खी का नाच कहते हैं। सन 1946 से 1969 तक अनवरत अनुसंधान के फलस्वरूप प्रोफेसर कार्ल वॉन फ्रिंस ने मधुमक्खी नाच यानी बी डांस की व्याख्या करने में सफलता प्राप्त की। इसके लिए उन्होंने नोबल पुरस्कार जीता। उन्होंने पता लगाया कि सूचना प्रसारण के लिए भोजन खोजकर्ता या स्काउट मक्खी दो प्रकार के नाच करती हैं, एक राउंड डांस होता है और दूसरा क्या होता है, टेल वैगिंग आर सफल डांस, यानी एक गोल नृत्य होता है, दूसरा द्रुम ढोलनी नृत्य। जो गोल नृत्य करती हैं, राउंड डांस करती हैं, इस नृत्य के द्वारा क्या होता है, सूचना प्रसारण तब किया जाता है जब नया भोजन का स्रोत जो है छत्ते से लगभग 75 मीटर की दूरी पर हो यानी निकट हो। इस नाच में स्काउट मक्खी क्रमशः दाई व बाई ओर गोल गोल नृत्य करती हैं। जो दूसरा टेल वैगिंग और सफल डांस है, ध्रुम ढोलनी नृत्य है, स्काउट मक्खियाँ इस नृत्य द्वारा सूचना प्रसारण तब करती हैं जब नया भोजन का स्रोत छत्ते से 75 मीटर से अधिक दूरी पर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, इंक सैक इज फाउंड इन, स्याही कोश इंक सैक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए नाटिलस, बी सीपिया, सी माइटिलस, डी बोनेलिया। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी सीपिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीपिया को साधारणतः कटल फिश भी कहा जाता है। इसके शरीर में इंक ग्रंथि यानी इंक सैक पाया जाता है। यह ग्रंथि नीले रंग की स्याही का श्रावण करती हैं जो इनकी आत्मरक्षा में मदद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है, स्टोन कैनाल इन एस्टेरियस कनेक्ट्स द एस्टेरियस यानी तारा मछली में स्टोन कैनाल जोड़ती हैं। ए रिंग कैनाल एंड पोलियन वेसिकल्स, बी रिंग कैनाल एंड रेडियल कैनाल, सी मेड्रिपोराइट एंड रिंग कैनाल, एंड डी मेड्रिपोराइट एंड पोलियन वेसिकल्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्टेरियस में स्टोन कैनाल क्या जोड़ती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेड्रिपोराइट तथा रिंग कैनाल को। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द ओनली लिविंग मैराइन लिजार्ड इज, एकमात्र समुद्री सजीव छिपकली है, ऐसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए एम्बली राइकन्स, बी हेलोडर्मा, सी ऑफिसरस, एंड डी एरिक्स। तो एकमात्र समुद्री सजीव छिपकली कौन सी है, तो एम्बली राइकन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम्बली राइकन्स एकमात्र सजीव छिपकली है, इसे साधारणतः इगुआना कहा जाता है। हेलोडर्मा क्या है, हेलोडर्मा एक जहरीली मछली है, जहरीली छिपकली है, जिसे गीला मॉन्स्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है, किडनी इन रेप्टाइल्स इज, सरीसृपों का गुर्दा होता है। ऑप्शन ए है प्रोनेफ्रिक, बी मीजोनेफ्रिक, सी मेटानेफ्रिक, एंड डी अपिस्टोनेफ्रिक। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी मेटानेफ्रिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरीसृपों का जो किडनी है, रेप्टाइल्स की जो किडनी है, उसको मेटानेफ्रिक होता है। इसमें रोमिल कीपयुक्त नेफ्रिडिया पाया जाता है, जिसे नेफ्रोस्टोम कहा जाता है। यह एक गुहा में खुलता है, जिसे मेटानेफ्रिडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट फीडर्स इन बर्ड्स आर नोन एज,
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पक्षियों के सबसे छोटे पंख कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए फाइलोप्लूम, बी डाउन फीडर, सी काउंटर फीडर, डी पिन्नी। राइट आंसर क्या होगा इसका? स्मॉलेस्ट फीडर इन बर्ड्स आर नोन एज, पक्षियों के सबसे छोटे पंख क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए फाइलोप्लूम इसका राइट आंसर हो जाएगा। पक्षियों के सबसे छोटे पंख फाइलोप्लूम कहलाते हैं। फाइलोप्लूम क्या है? सबसे छोटा, त्वचा को ढकने के लिए उपयुक्त होता है, और एक होता है पुच्छ में पाए जाने वाले पंख को रेक्ट्राइस कहते हैं। याद रखेंगे, पुच्छ में पाए जाने वाले पंख को रेक्ट्राइस कहते हैं, और शरीर को ढकने वाले मुलायम पंख डाउन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है, जाइगोमेटिक आर्क इज फॉर्म्ड इन द, जाइगोमेटिक आर्क पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अपर जॉ ऑफ फ्रॉग, बी लोअर जॉ ऑफ फ्रॉग, सी अपर जॉ ऑफ रैबिट, डी लोअर जॉ ऑफ रैबिट। जाइगोमेटिक आर्क इज फॉर्म्ड इन द, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी अपर जॉ ऑफ रैबिट, खरगोश के ऊपरी जबड़े में, ऊपरी जबड़े में अगर कहाँ पाया जाए पूछा जाए तो मैक्सिला में पाया जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज डिटरमाइंड बाय, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अरेंजमेंट ऑफ फास्फोरिक एसिड इन न्यूक्लियोटाइड्स, बी सीक्वेंस ऑफ पेंटोज रेजिड्यूज, सी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन डीएनए बेसिस, डी सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द डीएनए फिलामेंट। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज डिटरमाइंड बाय, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीक्वेंस ऑफ बेस इन द डीएनए फिलामेंट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डीएनए फिलामेंट में क्षार क्रम के द्वारा निर्धारित होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अध्ययन से व्यक्ति की पहचान की जाती है। इससे हत्या या बलात्कार के मामलों में दोषियों की पहचान तथा विवादित जनक के मामले में बच्चे के वास्तविक माता या पिता की पहचान की जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए किसी भी जो है सोमेटिक सेल या फिर रुधिर धब्बो या फिर वीर्य का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीकी की खोज सबसे पहले 1984 में अलेक्स जेफ्री ने की थी। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है, वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए हैज, डीएनए के एक पूर्ण श्रृंखला में होता है। ऑप्शन नंबर है टू बेस पेयर, बी सेवन बेस पेयर, सी फाइव बेस पेयर, डी टेन बेस पेयर। राइट आंसर हो जाएगा टेन बेस पेयर। दो क्षार युग्मक के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। इस प्रकार प्रत्येक मोड़ में लगभग 10 क्षार युग्म होते हैं। डीएनए के अणु का व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होता है, अगर व्यास की बात की जाए तो। डीएनए और क्षार में दंडों की संख्या लगभग 100 से जो है 20,000 तक हो सकती है या 2,00,000 तक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है द पॉइजन फैंस ऑफ विनामस स्नेक्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ, विषैले सर्प में विषदंत संशोधित रूप हैं, ए कैनाइन टीथ, बी मैंडिबुलर टीथ, सी मैगजिलरी टीथ, डी नन ऑफ द एबव। कह रहा है कि विषैले सर्प में विषदंत किसका संशोधित रूप है? द पॉइजनस फैंस ऑफ विनामस स्नेक्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मैगजिलरी टीथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन देखिएगा, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। कराएं पहले को दूसरे से मिलाइए, लिस्ट वन को लिस्ट टू से, और इससे संबंधित जो करेक्ट आंसर होगा उसे आप जो है उसको आंसर दीजिए। तो देखिएगा इसमें क्या क्या चीज़ है, पैलियम, रोपैलियम, न्योपैलियम और निपेलाइना। तो मसल है, ओबिलिया है, मैमल है, मोनप्लेकोफोरा है। तो राइट आंसर इसमें यही हम मिला दें, पैलियम किससे मैच कर रहा है? सीधा मसल से, तो ये वाला वन के साथ जाएगा। रोपैलियम, रोपैलियम भी ओबिलिया के साथ ही मैच कर रहा है, तो ये भी इसके साथ हो जाएगा। न्यूपैलियम, न्यूपैलियम
मैमल्स के साथ जाएगा, ये भी ठीक है। तो कुल मिला के एकदम सीधा सीधा बिल्कुल दिया है, तो A1, B2, C3, D4 ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन A1, B2, C3, D4, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन देखिएगा। ड्यूरिंग द सिस्मोनास्टिक मूवमेंट्स इन मिमोसा प्यूडिका टर्गर चेंस अकर इन, कह रहा है कि छुईमुई में कंपना कुंचन गति के समय स्थिति में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए लीफलेट्स, बी स्टिपल्स, सी पल्वेनस लीफ बेस एंड डी पेट्यूल एंड स्टेम। तो ड्यूरिंग द सिस्मोनास्टिक मूवमेंट इन मिमोसा प्यूडिका टर्गर चेंजेस अकर्स इन, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पल्वेनस लीव्स बेस फूले पराधार में। छुईमुई में जो सिस्मोनास्टिक मूवमेंट होता है फूले पराधार में यानी पल्वेनस लीव बेस परिवर्तन से होता है, कंपाकुंचन गति के दौरान टर्गर दाब फूले पराधारों में बदल जाता है, इसलिए छुईमुई छूने पर मुरझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन है डेली मूवमेंट्स ऑफ लीव्स इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ पत्तियों में दैनिक गति उदाहरण हैं। ऑप्शन लूनार रिदम, बी सर्काडियन रिदम, सी अल्ट्रेडियन रिदम, डी फोटोट्रोपिज्म। तो डेली मूवमेंट ऑफ लीव्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ पत्तियों में दैनिक गति का उदाहरण क्या होगा? राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्काडियन रिदम। पत्तियों में दैनिक गति का उदाहरण सर्काइडियम रिदम है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हेन क्लोरोफिल इज बर्न्ड विच एलिमेंट इज ऑब्टेंड, क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा तत्व तो प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, बी सोडियम, सी मैग्नीशियम एंड डी मैग्नीज। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल्स को जलाने पर मैग्नीशियम तत्व तो प्राप्त होता है क्योंकि मैग्नीशियम आयन क्लोरोफिल के मध्य में पाया जाता है। क्लोरोफिल एक मैग्नीशियम पोरफायरिन यौगिक है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है तथा ऊर्जा स्थानांतरण का कार्य करता है। इस प्रकार 25 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल आपके लिए रहा हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, इससे मनोबल बढ़ता है और वीडियो कंटिन्यूअस बनाने का मन करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार सेशन के साथ। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।